अगली खबर कोसीर से है। कोसीर मुख्यालय में जोन स्तरीय खेलकूद का आज उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र में खेलकूद का उद्घाटन कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती सुनीता चंद्रा के द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र में कांग्रेस जिला महामंत्री विष्णु चंद्रा, कोसीर सरपंच लाभू राम लहरे, प्राचार्य SP भारती, पत्रकार गोल्डी कुमार लहरे, खेल प्रभारी राजकुमार पैकरा, राजीव मितान, क्लब कोसीर अध्यक्ष फूल कुमार विश्वकर्मा, सचिव मनोज सुमन, जोन प्रभारी कामेश लहरे सहित संबंधित लोगों की उपस्थिति में खेल प्रारंभ हुआ। पहले दिन 10 खेल खिलाए गए, जिसमें प्रमुख रूप से जोन स्तरीय 100 मीटर दौड़ में प्रथम शुभम यादव, द्वितीय आकाश और भंवरा में यज्ञ लहरे प्रथम द्वितीय भवेश रहे। वहीं अन्य खेलों में भी प्रथम और द्वितीय के नाम नामांकित किए गए, जिसमें संखली बाटी, लंबी कूद, खो खो, गिल्ली डंडा, गेड़ी दौड़, रस्सा कसी, पिट्ठूठल 10 खेल खिलाए गए, जिसमें प्रथम और दूसरे स्थान में आने वाले प्रतिभागी अब ब्लॉक स्तर में खेल खेलेंगे। आज प्रथम दिन बालक वर्ग को खेल खेला गया और खेल को लेकर काफी उत्साह रहा। कौन से गांव के खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं? कोसिल भाटा गांव, भद्रा, भद्रापाली, बिलोपार, सिलाडी, सिलियारी। बताएंगे इसमें प्रमुखता से कौन कौन से खेल को इस कोसिस जोन में खिलाया जा रहा है? भौरा, गेड़ी, रस्सा कसी, संखली, खो खो, कबड्डी, कबड्डी। क्या आज खेल खिला रहे हैं, क्या क्या विजन है? ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हमारे मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में चालू किया गया है। जो हमारी संस्कृति छत्तीसगढ़ी की संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है, उसको सामने लाया गया है और गांव-गांव में राजीव और मितान क्लब का गठन करके उसके द्वारा खेल का कार्यक्रम कराया जा रहा है। और हमारी संस्कृति जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति थी उसको आज हमारे भूपेश सरकार द्वारा इसको पुनः फिर मतलब लाया जा रहा है। कोसीर को जोन बनाया गया है तो इसमें कौन कौन से गांवों को शामिल किया गया है? इसमें 8 गांव शामिल है। कोसीर है, भाटा गांव, बटौ पाली, डंगनिया, रिवा पार, सिलियारी, कलमी, बोरदा, ऐसे करके 8 गांव है इसमें शामिल है। और कौन हर गांव मतलब जोन कई तो बना है, तारंगढ़ में 16 जोन बना हुआ है इसमें शामिल किया गया है। इसमें भौरा है, गिल्ली डंडा है, बाटी है, गेड़ी है, खोखो है, दौड़ है, रस्सी खींच है, टुकड़ी है।